हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मार्केट हो चुकी है क्लोज, और जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो आई है 45,592, 58 पॉइंट्स नीचे। और वहीं निफ्टी जो क्लोज हुआ है वो हुआ है 19,733, 20 पॉइंट नीचे। और जो आज बैंक निफ्टी को प्रेशर बनाने का, सबसे ज़्यादा जो बैंक निफ्टी पर प्रेशर बनाने का काम किया वो किया SBI ने, जो कि 8 रुपये नीचे बंद हुआ है। और वहीं निफ्टी में जो प्रेशर बनाया वो बनाया था रिलायंस ने और LT ने, ये काफ़ी नीचे। लेकिन IT कल की ही तरह आज भी बहुत स्ट्रांग खड़ा था और बहुत बढ़िया गेन IT ने दिखाए। तो अब हम बात करते हैं अपने ट्रेड्स की। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा 50-day चैलेंज जो चल रहा है 20,000 रुपये से लेके, उसको हम धीरे धीरे आगे स्टेप बाई स्टेप आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो आज उसका मे बी 8वां दिन है। तो अभी जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि मैं एक पोजीशन अपनी कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, जो मैंने की थी 45,600 की कॉल। तो सुबह मार्केट काफ़ी अच्छा ओपन हुआ और इसको मैंने सुबह ही निकाल चुका था, पहले ही कैंडल में प्रॉफिट में ही निकाला। लेकिन उतना पूरा का पूरा गेन नहीं ले पाया, थोड़ा कम प्रॉफिट लिया। मेरे को लगा कि ऊपर जाएगा लेकिन सडन नीचे आ गया था, तो कोई नहीं, लेकिन प्लस में ही निकला, प्रॉफिट में ही निकला था। तो एक ये ठीक रहा। उसके बाद फिर मार्केट जब यहाँ नीचे आना स्टार्ट हुआ, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया और उसके बाद इस यहाँ से ये नीचे आना स्टार्ट हुआ, तो लगभग मैंने यहाँ पे एक पुट साइड की पोजीशन बनाई, जिसको यहाँ तक होल्ड किया और इसको मैंने यहाँ तक होल्ड किया और इसमें प्रॉफिट बनाया। और उसके बाद मेरी एक दूसरी पोजीशन, एक जो दूसरी पोजीशन वो खाली एक यहाँ पे मैंने एक छोटी सी पोजीशन बनाई और इसको यहीं पे ऊपर नीचे ज़्यादा कर रहा था यहाँ पे 1 मिनट चार्ट्स पे, तो मैंने इसको यहीं पे एग्जिट कर दिया था। ज़्यादा खास आज कोई ट्रेड किए नहीं, क्योंकि अपने अकाउंट को धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो फालतू का रिस्क लेके कोई फ़ायदा है नहीं। तो अब मैं दिखाता हूँ कि आपको मैंने किस तरीके से अपना आज ट्रेड मारे। तो जो आज हमारा रहा प्रॉफिट वो रहा 2781 रुपये का हमारा प्रॉफिट रहा आज का। और इसमें जो 45,600 की जो कॉल है, इसमें 1,066 रुपये का जो प्रॉफिट है, ये मेरी कल की होल्डिंग थी। और उसमें जो मैंने एक पुट साइड में जो आपको बता रहा हूँ 45,500 की पुट में, इसमें 1,200 रुपये आए और एक छोटा सा जो बनाया था इसमें 315 रुपये आए। तो टोटल मिला के आज आए हैं 2781 रुपये। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो 50 डे चैलेंज चल रहा है उसका रिजल्ट किस तरीके से हो रहा है। तो फर्स्ट डे लगभग एक दिन हमें यहाँ पे को लॉस देखना पड़ा है, जो कि एक बड़ा लॉस है 1,450 रुपये का। और इसके बाद लगभग सारे दिन प्लस में बंद हुए, लेकिन ये जो 24 तारीख, 25 तारीख और एक ही 27 तारीख, ये जो 3 डेट हैं ये भी लॉस में ही कंसीडर करेंगे हम लोग, क्योंकि 25 और 27 को मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रेड मारे हैं। तो ये एक इनमें चार्जेस वगैरह खा के ही ये लॉस अच्छे खासे देंगे, लगभग 300-400 रुपये, 400-500 रुपये के लॉस में रहेंगे ये, तो इसको भी कंसीडर करेंगे। आफ्टरऑल अभी फिर भी हमारा थोड़ा बहुत अभी ठीक ही चल रहा है। अभी 50 दिन हैं, आज 8वां दिन हुआ है, तो 8वां दिन आज 2780 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। ट्रेडर्स, आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा जिस तरीके से मैं हल्के हल्के इसको ग्रो कर रहा हूँ, तो कोई लोग इसको फॉलो करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि छोटे अमाउंट से भी ट्रेडिंग की जा सकती है, यानी कि अमाउंट बड़ा ही चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। तो इसी होप के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और प्लीज़ ट्विटर कमेंट ज़रूर कीजिए, चाहे गंदे कीजिए अच्छे कीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर कीजिए, उससे मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।